हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ आरू को दवा दिलवाने डॉक्टर के पास। इसे बहुत ज़्यादा कफ है तो इसे दवा दिलवा के लेके आती हूँ। पापा और मैं जा रहे हैं और आरू जा रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। आरू भी हमारा रेडी है। आरू दिखाओ दिखाओ, रेडी हो? टीचर आ गए, चलो जल्दी चलो। तो अब मैं चलती हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो चलो, चश्मा लगाओ, यहाँ बैठो, चश्मा लगाएंगे, है ना? ये उसमें देखो कैसे लग रहे हो, हीरो लग रहा है हमारा आरू, हीरो। लगाओ लगाओ, अच्छा यहाँ लगा दो, ऐसे ऐसे लगा लो। वाओ वाओ वाओ, कैसे लग रहे हो देखो, ऐसे ऐसे, ये अरे ये आरू तो बहुत मस्त लग रहा है ना? आरू मस्त लग रहे हो ना, दिखाओ। अच्छी लग रहा है। चॉकलेट खा रहे हो? चॉकलेट जल्दी जल्दी खाओ, फिर चलते हैं दवा दिलवाने, है ना? डॉक्टर पे मैं सुई लगवाऊंगी, तो सुई 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 ऐसे लगवा दूंगी, सुई ऐसे सुई लगवाऊंगी। ये खाओ, चलो फिर चलते हैं, बाबा इंतजार कर रहे हैं। नो कह रहे होंगे बाबा अभी तक आरू नीचे ना आयो। ले मैं खा लूं? तो हम रेडी हो चुके हैं, बस चॉकलेट खा के निकलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी हम पहुंच चुके हैं जयगुरु देव पे। तो आप लोग देख चुके हो, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इस टाइम मेला लगता है यहाँ पे और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। तो हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है और छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए हैं सभी। और पापा नंबर लगवा रहे हैं अभी, तो नंबर लगवाते हैं फिर देखते हैं कितना नंबर आता है। और आरू भी साथ में खड़ा हुआ है। तो ये छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है, तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ झूला वगैरह भी लगा हुआ है। तो आरू को थोड़ा झुला रहे हैं। आरू तो फुल मस्ती करने के मूड में ही रहता है हर टाइम। तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है आरू को और अब मैं मेडिकल से दवा लेने आई हूँ। तो यहाँ से दवा लेके चलते हैं फिर। तो मैं पापा को अंदर ही छोड़ के आ गई और वो दवा लेके आ रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं हम यहाँ पे। और आरू गाड़ियाँ देख रहा है। तो पापा आ गए हैं, अब हम चलते हैं सब्जी मंडी। ये मंडी है यहाँ मथुरा की, तो यहाँ पे धान वगैरह बिकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी, इसी के अंदर सब्जी मंडी है थोड़ी दूर, ये है सब्जी मंडी। तो पापा चले गए हैं सब्जी लेने के लिए और मैं और आरू यहाँ पे बैठे हैं और पापा लेके आ रहे होंगे सब्जी। तो आरू लोगों को देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या है यहाँ, क्यों भीड़ लगी हुई है। तो ये पहली बार आया है सब्जी मंडी, मैं भी मथुरा की सब्जी मंडी में पहली बार आई हूँ, मैं कभी नहीं आई, वो भी मैं इसलिए आ गई आज
और पापा वो रहे सब्जी ले रहे हैं। मैं इसलिए आ गई क्योंकि आरू को दवा दिलवाने के लिए आए थे, तो रास्ते में सब्जी मंडी भी थी तो सोचा सब्जी भी लेते चलते हैं। तो बस बैठे हैं और अभी हम जा रहे हैं भेल पूड़ी बनवाने के लिए, तो जल्दी से भेल पूड़ी बनवा के खाते हैं। मुझे बहुत टेस्टी लगती है भेल पूड़ी। मुझे दिख गई यहाँ पे कि भेल पूड़ी वाले भैया खड़े हैं, तो मैंने बनवा ली और आरू एंजॉय कर रहा है, भेल पूड़ी खा रहा है, बहुत टेस्टी लगी आरू को। टेस्टी है, खा ले। वो खिला दो, वो दे दो। तो हमने भेलपूड़ी खा ली है और हमारी सब्जी भी आ गई, सब्जी भी बांधी है। तो और आरू खा रहा है बनाना, आरू को बहुत पसंद है। आरू क्या खा रहे हो? आरू को सुबह से मैंने दूध ही पिलाया था और मैं सीधा यहाँ ले आई, तो इससे भी भूख लग रही है, तो इसे बनाना दे दिया है। अब ये खा लेगा, इसका पेट भी भर जाएगा। आरू ये खा ले, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो आरू का एक से पेट नहीं भरा, दूसरा भी ले लिया। अब आरू का ये दूसरा बनाना है। तो फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं और आरू मैंने सुला दिया क्योंकि वो थक गया था बहुत, और मैं भी बहुत थक गई क्योंकि आज बहुत कुछ सब वहां से दवाई दिलवाई, फिर सब्जी मंडी गए, सब्जी लेके आए, तो इसने बहुत ज़्यादा थका दिया आज मुझे इधर उधर भगाते हुए। तो बस ये सुला दिया है, अब थोड़ी देर में खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो अब मैं नीचे जाऊँगी और आज बनाऊँगी मैं मूली के पराठे, तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मेरे मूली के पराठे रेडी हैं, मैंने मूली के पराठों के साथ चाय बनाई है और अब मैं इन्हें खा लेती हूँ और इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।